मेरठ के इस्लामाबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विधायक और मेयर के गुमशुदा के लगाए पोस्टर। लगाया आरोप, विधायक और मेयर नहीं रख रहे जनता का ध्यान, वहीं जनता है पूरी तरह से परेशान। उनके मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं हमने बात की रफीक अंसारी से कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके खिलाफ जो पोस्टर लगाए हैं। रफीक अंसारी इस वक्त अपने कुछ लोगों से कुछ मुद्दों पर उनकी परेशानियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का धंधा है, चुनाव वाड़ा है, चुनाव विषय क्या है? अच्छा, नगर निगम चुनाव को लेकर ये चुनाव विषय में क्या करना है? उनका कहना है कि यहाँ पर पानी जल भरा हो रहा है, कोई खास कार्य नहीं कर रहे विधायक जी। आप उनसे पूछिए किसकी जिम्मेदारी है। दो तरह के चुनाव होते हैं, नगर निगम का चुनाव होता है जिसमें सभासद और मेयर चुने जाता है। जी जी। एक होता है एमएलए का चुनाव जिसे विधानसभा में भेजता है। हमें भेजा कहाँ है? विधानसभा में ना। जी जी। और किसकी जिम्मेदारी है वहाँ की? नगर निगम कहाँ से आ गए? आपका पोस्टर भी लगाया था। हम कहाँ से आ गए? उनसे पूछिए निकल क्या रोल है। अभी विधानसभा चली थी, हम कहाँ थे? अभी विधानसभा में थे, खत्म हुई थी। जी जी। हमारा टेलीफोन खुले रहते हैं, हम सब चीज़ खुले रहते हैं हमारे पास। अच्छा, और वो तो दूसरी पार्टी है, उसे क्या मतलब? वो तो अच्छा, आपसे इस मामले में कोई संपर्क नहीं हुआ? किसी का कोई टेलीफोन नहीं आया। हम तो चौबीस घंटे खुले रहते हैं, वो तो चुनाव स्टैंड है। वो दूसरी पार्टी है, हमारा क्या मतलब उस पार्टी? वही कह रहे हैं कि विधायक जी मिलते भी नहीं है। अगर आप मुझे वैसे काम मिलता, पूरे उत्तर प्रदेश में कमाया हो, उत्तर प्रदेश से गायब हो, ये चुनाव होता तब आता हो। आता नहीं आता जी, गायब नहीं है वो। जी बिल्कुल। क्यों कह रहे हैं कि विकास कार्य को लेकर वो कौन है जी? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके पोस्टर लगाए और जनता से दूर हैं, जनता के मुद्दों से बिल्कुल दूर हैं। कोई उनसे पूछो विकास कार्य नगर निगम से होता है, अवसर कराता। कितने दिनों में हम बने विधायक? छह महीने। हमारी निधि आ गई, हमारी निधि आ गई। अभी निधि भी नहीं आई। जब निधि आएगी तभी तो कराएंगे विकास कार्य। सिर्फ और सिर्फ चुनाव स्टैंड, नगर निगम का चुनाव आ रहा और कभी जीते नहीं है। कोई यहाँ पार्षद नहीं है, ये सब जमानत जब्त हो रही है, इनको कुछ पूछने वाला नहीं है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे वैसे कहा है, चुनाव के टाइम आता है, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है जी। तो चुनाव स्टैंड है और क्या है ना, कौन पूछ रहा? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए धंधे है। अपने लोगों का फोटो लगाता अपने बैनर के ऊपर, तो सुनाते हैं आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई भाई, विरोध तो करते हैं अपने बैनर के नीचे, विरोध करते हैं अपनी पार्टी, विरोध करते हैं लेकिन पोस्टर अपने झंडे पर ही लगाते हैं, अपने बैनर पे पोस्टर नहीं लगाते किसी विरोध में। मैं देखा हूँ हम तो किसी भी विरोध, ना समाजवादी लगाती, ना बीजेपी लगाती, ना कांग्रेस लगाती, कोई पार्टी अपने नहीं लगाती। तो हम मशवरा करेंगे अगर इस पर मौसम में बदलाव हो तो हमारा भी ठीक है। हम इस वक्त सपा विधायक रफीक अंसारी के पास मौजूद हैं और उनका कहना है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ गुमशुदा के पोस्टर लगाए हैं, उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो इससे पहले सत्र में थे और वहां पर जनता के हितों को और मुद्दों को सरकार के सामने पेश कर रहे थे। वह कल ही मेरठ पहुंचे हैं और इसलिए उनके पोस्टर लगाना कतई गलत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति या नेता का इस तरह पोस्टर लगाना कतई नाजायज है, गैर कानूनी है।